ताने तो मारेगी दुनिया तुझे, लेकिन तू खड़ा रहना एक पहाड़ की तरह। जिस दिन होंगे सितारे कांधे तेरे, उस दिन सलाम करेगी दुनिया तुझे। तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रोज वुड अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम आपके लिए नई नई रोज़ वीडियो लाते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। जिस किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो, वो नीचे जाके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल का हमने जो बताया वो आज बताएंगे, जितना भी रह गया है। हमारा पार्ट टू आज स्टार्ट होगा, जो कि नंबर सिस्टम का है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या हमारी बता दी गई थी कि हमारी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि आप जानते हो, लिखा हुआ है बोर्ड पर, हमारी प्राकृतिक संख्या ये होती है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या हमें मिल गई, लेकिन हमें प्राकृतिक संख्याओं को भी अभी और डिफाइन करेंगे, जो कि काफ़ी प्रकार की होती हैं। वो हम एक एक करके सभी को हम समझेंगे कि होती क्या है। एक नेचुरल नंबर एक ऐसी संख्या है जिनसे ही हम सभी संख्याओं को वर्णित करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये भी कई प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, आप सभी देखते हैं। नंबर एक, इवन नंबर। नंबर दो, ऑड नंबर। नंबर तीन, कंपोजिट नंबर। नंबर चार, प्राइम नंबर। नंबर पांच, को प्राइम नंबर, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं हम। इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या, इसे बोलते हैं हम विषम संख्या, इसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या, इसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। उसे बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। और भी होती हैं ईटीसी, जिनका कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होता नहीं है। हमने ये डिफाइन कर दिया पांच, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और भी होती हैं, लेकिन हम डिस्कस इन पर ही करेंगे। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमने कई प्रकार के होते हैं, जो कि हमने डिफाइन किया है इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कौन को प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम अच्छी तरह समझेंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जब हम नेचुरल नंबर को डिफाइन करते हैं, तो हम इन सभी बातों पे ध्यान रखते हैं कि हमारे इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर है तो है क्या, वो हम सभी देखेंगे नंबर बाय नंबर, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे, चलो सर आपने डिफाइन तो कर दिया इनको, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि मतलब ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ऐसा ही आपको ये सुनते ही कि आपने सर डिवाइड तो कर दिया, लेकिन ये हम पहचानेंगे कैसे। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर ये सभी हमारे नेचुरल नंबर हैं तो हमारा जीरो जो है वो क्या है, जीरो जो है वो क्या है। चलो बात करते हैं, ठीक है। जीरो हमारा इवन नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है,
पॉजिटिव इंटीजर है, इवन इंटीजर है, बता है इसमें से जो हमारा जीरो है वो इवन नंबर है या नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है या इवन इंटीजर है। तो जैसा कि आप जानते हो इवन नंबर, हमारा इवन नंबर तो हो नहीं सकता है जीरो, इवन नंबर तो हमारा हो नहीं सकता है, ना ही हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है, क्योंकि जब हमने इंटीजर को डिफाइन किया था तो इंटीजर को हमने तीन भागों में डिफाइन किया था, नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर, नंबर दो नेगेटिव इंटीजर, नंबर एक जीरो इंटीजर, जिसका पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता है उसमें, तो जीरो तो जीरो ही है, तो हमारा इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा इवन इंटीजर। अब आप सभी लोग कह रहे होगे सर आपने इंटीजर को तीन भागों में डिवाइड किया था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, तो यहां पर इवन इंटीजर बात कहां से आ गई। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, -6 -8 -10 ये क्या है? आप बोलोगे सर ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। मैंने बोला ठीक है भाई ये तो नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन मुझे आंसर नेगेटिव इंटीजर में नहीं चाहिए, मुझे इवन इंटीजर में क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्वेश्चन का आंसर मुझे इवन इंटीजर में चाहिए। तो ये हम जो ये हमारे लिखे हुए हैं -6 -8 -10 हम इनको क्या बोलेंगे? इवन इंटीजर। वो हम अभी बताते हैं कैसे बोलेंगे, ठीक है? अब आपने बोला था कि सर आपने इंटीजर को तो तीन भागों में डिवाइड किया था, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो अब ये बात कहां से आ गई, चलो देखते हैं इंटीजर को फिर हम दोबारा से डिवाइड करते हैं इंटीजर, ठीक है? हमने जब डिवाइड किया था पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा वो हमें किस में चाहिए होगा? इवन इंटीजर में चाहिए होगा, ठीक है? तो हमने इसके दो भाग करे, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, नंबर एक इवन इंटीजर और नंबर दो और इंटीजर, इन्हें बोलते हैं हम संपूर्णांक और इसे बोलते हैं हम विषम पूर्णांक, ठीक है? अब आप बोलोगे सर आपने तो राता फैला दिया, क्योंकि आपने बताया था इंटीजर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, तो आप इवन इंटीजर और इंटीजर कहां से आ गए? अब हम इन पे ही बात करेंगे, ठीक है? जो हमारे इवन इंटीजर होते हैं और ऑड इंटीजर होते हैं, इनका भी कोई एक फॉर्मेट होता है। इनका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट होता है टू एन, ठीक है? और ऑड इंटीजर का फॉर्मेट क्या होता है? ऑड इंटीजर का फॉर्मेट क्या होता है? टू एन प्लस वन, 2n+1। n हमारा क्या है यहां पर? n हमारा यहां है इंटीजर, ठीक है? अब आपको फॉर्मेट भी पता पड़ गया, ठीक है? आप बोलोगे सर हम इसमें से पता कैसे करेंगे कि हमारा ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां लेते हैं इवन इंटीजर लेते हैं, जैसे 2 4 6 8, ठीक है? हमने इवन इंटीजर ले लिया। अब दो के जो हमारा एन हमने इंटीजर लिया है, यहां पर एन को हमने इंटीजर माना है,
तो एन की जगह पे हम पहले दो पुट करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा इंटीजर, फोर, ठीक है, हम फोर को एन की जगह पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एट, ठीक है, ऐसे हमारा जीरो भी इंटीजर होगा, माइनस दो भी इंटीजर होगा, माइनस चार भी इंटीजर होगा, ऐसे करके फॉर्मेट ये टू एन के मेथड में आता है फॉर्मेट हमारा, जो कि इवन इंटीजर बताता है कि इवन इंटीजर हमारे होते कौन से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑड इंटीजर का, जिसका फॉर्मेट होता है टू एन प्लस वन, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑड इंटीजर, ठीक है, सपोज दैट मैंने एन की जगह पर माइनस पांच रख दिया, ठीक है, जब एन की जगह पर मैं माइनस पांच रखूंगा तो यहां पे हो जाएंगे माइनस के दस, ठीक है, और यहां प्लस वन है, जब माइनस के दस में से प्लस का बन जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के नौ बचेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर में अगर मैं पांच रखूंगा यहां पर, सॉरी माइनस तीन रखता हूं मैं यहाँ पे एन की जगह पर, तो यहाँ कितने हो जाएंगे माइनस के सिक्स, और ये प्लस का वन है तो कितने बचेंगे यहाँ माइनस का पांच, यहाँ पे मैं सात रखता हूं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे एन की जगह जब हम सात रखेंगे तो यहाँ हो जाएंगे चौदह, और यहाँ एक प्लस पहले से दे रखा है तो यहाँ कितने हो जाएंगे पंद्रह। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो हमें इससे पता करेंगे कि हमारा इवन फॉर्म, इवन इंटीजर क्या है और ऑड इंटीजर क्या है। तो आप सभी लोग जान चुके होंगे कि ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर क्या है, जिसको भी कॉपीराइट करना है वो कॉपीराइट कर सकता है, और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना होता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। तो आप सभी ने ले लिया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, अब जो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं सच में आपका दिल खुश हो जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है क्या, ठीक है। अब आप बताना मुझे, जब मैं किसी दो ऑड को प्लस करूंगा, जब मैं किसी दो ऑड को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, या माइनस करूंगा तो क्या आएगा, जब मैं दो इवन को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा तो बताना क्या आएगा। ऐसे ही मैं एक ऑड और एक इवन को प्लस माइनस करूंगा तो बताना क्या आएगा, ऑड की पावर इवन तब क्या आएगा, इवन की पावर ऑड। जो मैं अब ये पूछने जा रहा हूँ ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपको बताएंगे कि हमारी ऑड संख्या, जब हम ऑड ऑड को प्लस करेंगे तो हमारी इवन संख्या आएगी या फिर हमारी आएगी ऑड संख्या, या फिर हम ऑड को ऑड में से माइनस करेंगे तो क्या आएगी, हमारी इवन संख्या आएगी या फिर हमारी आएगी ऑड संख्या। जब हम इवन इवन को प्लस करेंगे तो हमारी ऑड संख्या आएगी या इवन संख्या आएगी, वो हम देखेंगे इस मेथड से, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, जब हम सपोज दैट ऑड को ऑड में प्लस करेंगे, जैसे मान चलो हमने एग्जांपल लिया ऑड संख्या के लिए एक प्लस तीन, दोनों ऑड ही हैं हम प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा चार, और हमने फिर ले लिया एक पांच ले लिया एक सात ले लिया, तो अब ये कितना आ रहा है, ये भी बार आ रहा है भाई, इसका मतलब इवन आ रहा है हमारा, ठीक है। चलो माइनस करके देखते हैं एक बार, ऑड में से माइनस करते हैं, हमने लिया तीन माइनस वन,
कितना आ रहा है? दो भाई, ये भी इवन आ रहा है। चलो और देखते हैं, सात ले लिया एक हमने और तीन ले लिया, कितना आएगा? अब भी चार आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम किसी ऑड में से ऑड को माइनस करेंगे तब भी हमारा इवन इंटीजर आएगा, और ऑड को ऑड में प्लस करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? इवन ही इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑड इंटीजर को हम चाहे तो माइनस करें, चाहे हम करें प्लस, हमारा आंसर किस में आएगा? हमारा आंसर आएगा इवन में, जिसे हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, अब देखते हैं हम इवन को इवन में प्लस करते हैं तो क्या आता है। एग्जाम्पल, जब हम इवन को इवन में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? सपोज दैट 2 प्लस 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं भाई, ये भी इवन ही आ रहा है। 4 प्लस 8 ये भी भाई इवन आ रहा है। चलो माइनस करके देखते हैं एक बार और। आठ में से हमने 2 माइनस करे तो कितने बचते हैं हमारे? 6। चलो ये भी भाई इवन आ रहा है। 8 में से हमने 2, 4 माइनस कर दिए तब भी हमारा क्या रहा? इवन। इसका मतलब क्या है? इवन में से हम चाहे इवन को माइनस करें, चाहे हम करें हैं प्लस, तो हमारा आंसर किस में आएगा? हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? हमारा आंसर आएगा इवन में, जिसे हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, अब देखते हैं, जब हम और संख्या में से इवन संख्या को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, जब देखते हैं हमारा होता क्या है। सपोज दैट और संख्या हम पहले माइनस करते हैं, और संख्या होते हैं इवन संख्या। एग्जाम्पल ले लिया हमने, और संख्या हमने मान के चलो ले ली 5, और इवन संख्या हमने ले ली 2, तो क्या आ रहा है हमारा? 3, जो कि हमारी ऑड है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 7, इसमें से हमने माइनस करा 4, तब भी हमारी संख्या क्या आती है? 3। ये भी क्या है? हमारी ऑड। चलो प्लस करके देखते हैं। ठीक है, हमने और संख्या हमने ले ली 7। ठीक है, अब इसमें हम प्लस करते हैं 4। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी ऑड है और ये हमारी इवन है, तो 7 और 4 कितने होते हैं? 11। ये भी क्या आ रही है? हमारी ऑड आ रही है। चलो एक और देखते हैं, हमने 5 ले लिया और 2 ले लिया, ये कितना आ रहा है? हमारा 7 आ रहा है। इसका मतलब जब हम किसी ऑड को इवन संख्या में से इवन संख्या जब ऑड में ऑड को हम ऑड में से जब इवन संख्या को माइनस करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? ऑड इवन ऑड इंटीजर आएंगे, और जब हम ऑड संख्या में इवन संख्या को प्लस करेंगे तब भी हमारा क्या किस में आंसर आएगा? ऑड संख्या में ही आएगा। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड संख्या की, जब घात हमारी इवन हो। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमारी ऑड संख्या की घात क्या हो? इवन हो। जैसे ऑड हमने एग्जाम्पल ले लिया 3, जिसकी घात इवन हो, इवन घात हमने लगा दी 2, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? 9। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 हमने ले लिया, 5 की घात हमने 2 लगा दी। ठीक है, अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 25। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आ तो हमारे ऑड में ही रहे, तो जब हम किसी ऑड का इवन जब किसी ऑड की घात इवन होगी तो उसका हम जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा? वो ऑड में ही निकल के आएगा। ठीक है ना, विषम संख्या। अब बात करते हैं जब इवन की घात ऑड हो, इवन की घात ऑड हो, देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल से ही पता पड़ेगा कि क्या आएगा। इवन हमने नंबर ले लिया चार, ठीक है, और चार की घात हमने ले ली ऑड, ठीक है, इवन की हमने घात ले ली दो, कितना हो गया 16, मतलब इवन आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने 6 की पावर 2 ले ली, कितना होता है इसका स्क्वायर रूट 36 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इवन की घात जब ऑड हो, इवन की घात जब ऑड हो तो हमारा किस में आंसर आएगा, हमारा आएगा इवन में, जिसको बोलते हैं सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम ऑड संख्या को कैसे समझेंगे और इवन संख्या को हम कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे अच्छा मेथड है कैसे हम किस चीज को जाने। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या कॉपीराइट करना है कॉपीराइट कर सकते हो, ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, कर लिया होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जिसके आपको आंसर देने हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से संबंधित, ठीक है। आपने कॉपी राइट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जो कि तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो भाई, मैं स्टार्ट कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या इंटीजर नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है क्या इंटीजर नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या इवन नंबर इवन इंटीजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या फ्रैक्शन इरेशनल का पार्ट होता है। जैसा कि आप जानते हो, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंटीजर नंबर, इमेजिनरी नंबर और इवन नंबर और इवन इंटीजर, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन छांटे हैं जो कि आपको बताने हैं। जैसा कि आप जानते हो कि क्या इंटीजर नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, क्या इंटीजर नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, ऑफ कोर्स होते होंगे, बताइए। क्या इवन नंबर इवन इंटीजर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्या फ्रैक्शन इरेशनल का पार्ट होता है, क्या इंटीजर नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं हमारे, बिल्कुल होते हैं। क्या इवन नंबर इवन इंटीजर होते हैं, देखते हैं फिर। जैसा कि हमने इंटीजर नंबर पढ़े थे, इंटीजर नंबर में क्या होते हैं, इंटीजर नंबर पढ़े थे हमने, उसमें हमारे पॉजिटिव होता है हमारा, जीरो होता है और नेगेटिव होता है। इमेजिनरी नंबर में होता क्या है हमारा, इमेजिनरी नंबर में हमने पढ़ा था
जब कोई भी हमारा इमेज नंबर होता है जैसा कि हम सोचते हैं या किसी चीज को हम अज्यूम करते हैं, जब हमारा इमेज नंबर बनता है जिसे आयोटा के रूप में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा क्या इंटीजर नंबर इमेजिनरी नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या इवन नंबर इवन इंटीजर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब इवन नंबर हमारा जीरो इवन नंबर जो होते हैं हमारे वो बिल्कुल सम संख्या होती है, और इवन इंटीजर में क्या आते हैं? हमारे सम आते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारा राइट आंसर होगा। क्या फ्रैक्शन इरेशनल का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन तो हमारा इंटीजर का पार्ट है। जब हमने इंटीजर पढ़े थे तो इंटीजर को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, दो भागों में, इसमें से हमारा फ्रैक्शन जो हम फ्रैक्शन जो था वो हमारा था रैशनल पार्ट का, और इरेशनल पार्ट का तो हमारा था ही नहीं, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन पार्ट जो हमारा भाग है वो हमारा किसका भाग है? वो है हमारा रैशनल पार्ट का भाग। तो आशा करता हूं आपको, आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।